दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को एक टॉपिक करवा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बाय आइसोक्वेंट कर्व या लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए किसी भी प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। अब प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वो क्या कर सकता है, पहले हम वो एक बार समझ लेते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा आउटपुट करे, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इन गिवन कॉस्ट, यानी कि अगर उसे कॉस्ट गिवन है तो वो जितना ज़्यादा हो सके उतना उत्पादन करे, और अगर आउटपुट गिवन है तो जितनी कम हो सके उसकी लागत आए। यानी कि मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे कमरा बनाना है, मकान बनाना है 3 BHK का, तो 3 BHK का मकान बनाना है, स्ट्रक्चर क्लियर है, तो मेरे लिए सबसे बेटर टेक्नोलॉजी वो होगी जिसमें सबसे सस्ता मकान बन जाए पॉसिबल, यानी कि मकान भी बन जाए और सबसे सस्ता भी बने। या मान लीजिए आपको पता है कि आपको एक बजट गिवन है कि आपको 50 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो 50 लाख में जितना बड़ा मकान बन सके उतना अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो लॉजिक है वो वही रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब होता है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करना पड़ता है। यानी कि या तो वो क्या करेगा, मैक्सिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट इन गिवन आउटपुट, एक तरीका तो ये है मैक्सिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट, सॉरी मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है कम से कम लागत हो, और मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का मतलब है जब से जितना अगर कॉस्ट गिवन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। बच्चों यही दो तरीके हैं जो हम समझाने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले आप कुछ अजम्पशन जरूर समझ लीजिएगा, ये हमारी अजम्पशन है। तो बच्चों ये इससे पहले हमने आपको आइसोक्वेंट कर्व का, क्योंकि ये वीडियो तो मतलब चौथी पांचवी वीडियो है, इससे पहले हमने आइसोक्वेंट कर्व के बारे में आपको बहुत कुछ डिटेल कराया हुआ है, तो वो भी आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से सारा का सारा कोर्स को देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको बहुत सारी कोर्सेज हैं जो आपके मतलब के हैं, आपके काम के हैं, वो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले अजम्पशन है कैपिटल एंड लेबर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि माना है कि हमने कैपिटल और लेबर ही दो फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, यानी कि बाकी के फैक्टर को हमने एज्यूम कर लिया है कि वो नहीं है। ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस, द प्राइस ऑफ फैक्टर यूनिट्स आर गिवन, यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर गिवन है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ लेबर जो है वो 20 है, प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो 10 है, हम ये मान लेते हैं कि ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर आर होमोजीनियस, द टोटल मनी आउटले इज ऑल्सो गिवन, यानी कि टोटल पैसा हमें जो गिवन है, एक्सपेंडिचर जो हम कर सकते हैं वो 100 है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में। तो बच्चों दो मेथड के बारे में हमने आपको बताया, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा प्राइस ऑफ लेबर हमें गिवन है 20, प्राइस ऑफ कैपिटल गिवन है 10, और जो हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल आउटले हम कर सकते हैं वो 100 कर सकते हैं, ये हमने मान लिया। अब ये हमारा क्या है, गिवन कॉस्ट है, गिवन कॉस्ट लाइन है, यानी कि जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है वो हमें गिवन है, सिंपल सी भाषा में ये है। तो वो लाइन कैसे बनेगी, ये वाली, दिस वन। इसका मतलब इन सभी पॉइंटों पर जो आपका प्राइस रेशियो है PL upon PK वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, PL upon PK ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी 10 है और प्राइस ऑफ लेबर 20 है, इसका मतलब हर पॉइंट पर ये 2 के बराबर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि हमारे को आइसोक्वेंट मैप दिए हुए हैं, यानी कि एक तो ये है आइसोक्वेंट मैप हमारा, एक मान लीजिए ये है, एक हमारा ये है। तो यहां पे हमारा 100 आउटपुट है,
ये हमारा 200 आउटपुट है, ये हमारा 300 आउटपुट है। अब मान लीजिए हम पॉइंट दे देते हैं ए बी, मान लीजिए ये इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट था सी, इसको ले लेते हैं डी। अब इसमें से जो सबसे ऑप्टिमम है, यानी कि ये कहलाता है हमारा मैक्सिमम आउटपुट मेथड। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट है वो गिवन है, कॉस्ट लाइन गिवन है। तो गिवन कॉस्ट लाइन का मतलब है एक कॉस्ट लाइन बनी आपकी, जबकि आपके प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो तीन बनाई। अब सबसे बेस्ट तो ये होता, लेकिन बेस्ट होने के बावजूद भी अचीवेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी गिवन कॉस्ट में आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। तो आप किसको अचीव कर सकते हो, या तो 100 को कर सकते हो या 200 को कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम वाले को चुनोगे, इसका मतलब कंडीशन वही अप्लाई हो रही है कि इस वाली कंडीशन में जो हमारा एम आर टी एस है लेबर कैपिटल की, वो बराबर है प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल की। यानी कि सेम फार्मूला यूज हो रहा है, जैसा कि हमने आपको इंडिफरेंस कर्म में भी समझाया था, सेम तरीके से यहां पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही रहेगी कि जो हमारी आइसो कॉस्ट कर्व है वो आइसो कॉस्ट लाइन को टेंजेंट हो, यानी कि स्पर्श करे, तभी जाके इक्विलिब्रियम लेवल हमें अचीव होगा। तो बच्चों पहला मेथड के बारे में मैंने आपको समझाया, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विल अटेंड व्हेन द फर्म अचीव मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इन गिवन कॉस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इन गिवन कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट के बारे में बता रखा है। लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में, लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में भी हम इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए लीस्ट कॉस्ट मेथड का मतलब है कि आपको टोटल आउटपुट गिवन है, टोटल आउटपुट आपको कितना 100 प्रोड्यूस करना है, 200। आपके पास तीन विकल्प हैं टोटल कॉस्ट के, पहला या आप आउटले के, पहला कि आप 200 करो, 100 करो और 50 करो, ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको लाइन बनाएं, तो मान लीजिए हमारी को ऐसे करके हम तीन लाइन बना लेते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल, सॉरी यहां पे हम लिख लेते हैं प्राइस, ओहो यहां पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहां पे हम लिख लेते हैं कैपिटल। ये हमें पता है कि टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो यहां पे 50 आ रही है, यहां पर टोटल कॉस्ट हमारी 100 है, यहां पर टोटल कॉस्ट हमारी 200 है, हमें ये पता चल चुका है। अब हमें मिनिमम कॉस्ट को पाना है, यानी कि कॉस्ट वो चूज करनी है जो मिनिमम है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि तरीका बिल्कुल वही रहेगा। ये हमारा प्रोडक्शन का लेवल है IQ, जो कि 200 प्रोडक्शन को दिखा रहा है। इसका मतलब हमें अचीव जो करना है वो हम ए पॉइंट पे भी कर सकते हैं, क्या क्या हम बी पॉइंट पे भी कर सकते हैं, क्या हम सी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो बच्चों तीनों पे अचीवेबल है, हालांकि आप इस आउटपुट को 50 रुपए में तो आप अचीव कर ही नहीं सकते, होता तो ये बेस्ट था, लेकिन बेस्ट नहीं है ना, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। बेस्ट पॉसिबल यानी कि बेस्ट अटेंडेबल, जिसको आप अटेंड कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, एम आर टी एस एल के इक्वल होगा पी एल अपॉन पी के, ये कंडीशन फुलफिल होगी। और यहां पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा और यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आप सेम आउटपुट करने के लिए अब आपको पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब ना तो बी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ना सी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, बल्कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ए होगा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं एक बार और समझा देता हूं, दो मेथड है, दोनों मेथड का कंपैरिजन आपको करके दिखा देता हूं। पहले वाले में आपको एक कॉस्ट गिवन होती है और आउटपुट के लेवल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आपको वो अचीव करना है जो मैक्सिमम हो, IQ1 IQ2 IQ3। यानी कि आपके पास पॉसिबल है ए बी, लेकिन आप चुनोगे सी को, यानी कि इसको बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा मिनिमम कॉस्ट मेथड का,
इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कर्व गिवन होते हैं, लेकिन हमें एक आउटपुट को चुनना है। तो हम किसको चुनेंगे? इसको चुनेंगे। ए पॉइंट बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? यानी कि इसको बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट मेथड, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको किस तरीके से आइसोक्वांट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वो समझाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।